नेक मजालिस की बड़ी बरकत होती है। हाँ मेरे हजरत हैं जाम शफिया के शेखुल हदीस हज़रत सूफी मोहम्मद सवद साहब दामत बरकात मुलारी, कोशिश करता हूँ हर जुम्मे को अपने हर की मजलिस में हारी देता हूँ। बड़ी बरकत अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों के दिल से निकले हुए जुमले बस सीधा दिल को, दिल के दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहे लगे पर मैं दिल से ऊपर की बात होगी फिर वो खतरा होता है कहीं ऊपर से ना गुजर जाए यार। हाँ बुजुर्गों की दिल से बात निकलती है वो सीधे दिल के अंदर के खानों को। हाँ उनको बेदार करती और जगाती है यार। हाँ दो जुम्मे पहले हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज पढ़ा, फिर आगे मलफूज का मफहूम बयान किया। फरमाने लगे निकाह में ज्यादा हुस्न और जमाल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए यार। निकाह में ज्यादा हुस्न और जमाल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कोई मामूली शक्ल सूरत वाली घर वाली मिल जाए तो गुजारा कर लेना चाहिए यार। किसी दुनिया गुजारे की जगह है, चलो कोई नेक सूरत, असल तो नेक सीरत है, नेक सूरत घरवाली मिल जाए अल्लाह ताला तो वो भी नाम है, लेकिन ना हो तो फिर भी गुजारा कर लेना चाहिए। किसी की बेटी को हम बसाएंगे, हमारे घरों में भी ये बेटियां मौजूद, अल्लाह उनके साथ भी यही मामला करेंगे ना। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी, यहाँ तो सब शक्लें आरजी है यार।